वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और बहन लोगों, भाई लोगों, सब स्वाद, ओह मेरा मतलब सब बढ़िया। तो इसी उम्मीद के साथ एक नए चैप्टर का आगाज करते हैं। ये एक घंटू सा चैप्टर है, बस तुम्हारा एक काम है, ध्यान से सुनना और समझ कर याद कर लेना। तो चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर में बता रखा है कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के लोगों पर कॉलोनियलिज्म का क्या असर पड़ा और क्या क्या हुआ। अब कुछों को कॉलोनियलिज्म का मतलब याद नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूं। कॉलोनियलिज्म उस प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें एक पावरफुल कंट्री एक दूसरी कंट्री पर कब्जा जमा लेती है, यानी उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। जैसे इंडिया में पहले ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था। अब बात करते हैं फॉरेस्ट यानी जंगल की। फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इससे हमें दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, जैसे वुड, पेपर, स्पाइसेस, हनी, कॉफी, टी, रबर, फ्यूल वगैरह वगैरह वगैरह। और जानवर भी फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जंगल काटने पड़ रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो उनके लिए जगह भी चाहिए होगी। पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी 1700 से 1995 के बीच में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया, सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं बल्कि कल्टीवेशन यानी फार्मिंग, फ्यूल वुड और पास्चर के लिए। पास्चर उस लैंड को कहते हैं जिस पर जानवरों को घास चराते हैं। 1600 में सिर्फ 1/6 लैंड पर कल्टीवेशन हो रही थी। तो फॉरेस्ट काटने यानी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि डीफॉरेस्टेशन कॉलोनियल पीरियड से ही शुरू हो गया था। अब पहला सवाल टपकता है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हो सके तो आंसर अभी दिमाग में बिठा लेना, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। तो मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तुम्हें तो पता ही है लोग तो होते ही हैं ठरकी, 5-6 बच्चे कर लेते हैं, चाहे घर 1 BHK का हो। पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, इसी कारण और खेत बनाने पड़े, इसलिए जंगल काटे गए। दूसरा पॉइंट है डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन जैसे कमर्शियल क्रॉप उगाई जाएं। 19th सेंचुरी में यूरोप में इन क्रॉप्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल थे, अब इन्हें उगाने के लिए भी तो जगह चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश कंसिडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। उन्हें फॉरेस्ट बेकार लगते थे क्योंकि उनकी फॉरेस्ट से कुछ कमाई नहीं होती थी, तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट काटकर जमीन को एग्रीकल्चर यूज के लिए लगा दिया। इससे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ने लगा, मतलब इस चीज से उन्हें पैसे मिलते थे। फोर्थ पॉइंट है, एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो भाई 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड के ओक फॉरेस्ट गायब होने लग गए थे। ओक ट्री से टिम्बर मिलता है यानी लकड़ी, तो टिम्बर ना होने के कारण इंग्लैंड की नेवी, जिसे रॉयल नेवी कहते हैं, वो शिप्स नहीं बना पा रही थी। इसलिए टिम्बर की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया से लार्ज स्केल में पेड़ काटे गए और टिम्बर को एक्सपोर्ट किया गया। अब आ जाओ आखिरी पॉइंट पर, स्प्रेड ऑफ रेलवेज। 1850s में
रेलवे नेटवर्क बढ़ने लगा। वैसे रेलवे कॉलोनियल ट्रेड और मूवमेंट ऑफ ट्रूप के लिए इम्पोर्टेंट थी, यानी बिजनेस और आर्मी को इधर उधर ले जाने के लिए। अब तुम सोच रहे हो कि यार रेलवेज और डिफॉरेस्टेशन का क्या कनेक्शन है? तो भाई उस समय लकड़ी ही ट्रेन के फ्यूल का काम करती थी और स्लीपर बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए थी। अब स्लीपर क्या होता है? भाई स्लीपर वुडन प्लैंक्स होते हैं जिन्हें रेलवे ट्रैक के बीच में बिछाया जाता है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक हमेशा पोजीशन में रहता है। तो 1 माइल रेलवे ट्रैक के लिए ऑलमोस्ट 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी। इसलिए जब रेलवे नेटवर्क बढ़ा तो बड़े पैमाने पर पेड़ कटने लग गए। तो भाई अभी के लिए इतना ही काफी है। अब तुम अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ज्यादा लंबा आराम मत करना, क्योंकि मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। जल्दी आओ भाग के।